हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाथवे क्लासेस। सो आज हम बात करने वाले हैं कुछ एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे शिफ्ट नंबर 2 का क्वेश्चन। ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आपका एलआर से रिलेटेड क्वेश्चन है। लॉजिकल रीजनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपसे पूछे गए थे, तो आज हम ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एज पर द क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ द लॉजिक, न्याय या फिलोसफी के अकॉर्डिंगली यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल सही मानी जाती है। अगर मैं सिलॉगिज्म की बात करती हूँ, ठीक है, अगर मैं सिलॉगिज्म की बात करती हूँ तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि कितने टर्म्स होते हैं। ठीक है, न्याय की बात करें या एरिस्टोटल की बात करें तो यहाँ पे आपका जो सिलॉगिज्म है, ओवरऑल सिलॉगिज्म है, उसमें आपके तीन टर्म्स होते हैं। कितने टर्म्स होते हैं? तीन टर्म्स। अब वो कौन कौन से हैं? मेजर टर्म, माइनर टर्म और मिडिल टर्म। ठीक है, मिडिल टर्म, ये तो आप सबको पता होगा। ठीक है, सो इसके हिसाब से जो टर्म्स हो जाती हैं, जो टर्म्स हो जाती है वो तीन हो जाती है। तो इसके हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, टर्म्स हमारी तीन होती हैं। बात करते हैं हम प्रपोजिशंस की। प्रपोजिशंस यहाँ पर आप सबको ये पता होना चाहिए, न्याय सिलॉगिज्म के बेसिस पे फ्यून आपका यहाँ पे हो जाता है। तो कितने हो गए यहाँ पे? पांच हो गए। फ्यून क्या है? प्रतेजना, हेतु, उदाहरण, उपनया एंड निगमना। ये आप सबको बताया था मैंने पहले भी, बहुत बार करवाया हुआ है, तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, बी एंड सी। क्योंकि अगर मैं प्रपोजिशंस की बात करती हूँ तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे तो पांच प्रपोजिशंस होते हैं और टर्म्स हमेशा ध्यान रखिएगा सिलॉगिज्म में। ठीक है, चाहे वो एरिस्टोटल की बात करते हैं या न्याय की बात करते हैं, तो वहां पे तीन ही टर्म्स होती हैं, मेजर, माइनर एंड मिडिल टर्म। होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। टिल देन, थैंक यू सो मच। धन्यवाद।